जी मैं ही हूँ कुआ। अरे हमारी भाभी के भाई बहन भतीजे सब लगे पड़े हैं, तो मैं लकड़ी बनने क्यों ही जाऊँ? माना कुआ हूँ, इसका ये मतलब थोड़ी कि मेरा कोई स्वाभिमान नहीं। मुझे सेपरेट रूम प्रोवाइड किया गया ताकि ये किसी से मिले जुले नहीं, किसी से बात ना करे, बस पड़ी और अपनी बहन सबको अपने साथ सुता रहे ताकि हमारा चुगली कर। हमारा क्या है, मैं भी यूट्यूब पर गाने सुनकर सो जाऊँ। मैं तो मेहमान बनकर आई हूँ और मेहमान बनकर ही चली जाऊँगी। शगुन मिला है वही 250 की साड़ी होगी और बहुत ज्यादा खुश हो गई होंगी तो 500 की। मैं तो अभी गूगल से चेक कर लेती हूँ। गूगल पैसा दिया है क्या? तब से गूगल बिल्कुल स्पॉन्सर किया है। भाई भाभी नहीं देंगे तो कहीं से तो घर चलाऊंगी ना। रेखा आपकी साड़ी कितने की है? अरे नहीं लिखा है तो मैं बता दूंगी। गूगल से गूगल लेंस से स्कैन करिए, शॉपिंग वाले टैब पर क्लिक कीजिए, ये देखिए लगभग 800 का है। इसी पैटर्न का है ना? मतलब ये भी उसी रेंज के आसपास का। अब भी चाची है ना, इसीलिए बहन सबको मिला होगा 5,000 का। जी मैं ही हूँ कुआ। अरे हमारी भाभी के भाई बहन भतीजे सब लगे पड़े हैं, तो मैं लकड़ी बनने क्यों ही जाऊँ? माना कुआ हूँ, इसका ये मतलब थोड़ी कि मेरा कोई स्वाभिमान नहीं। मुझे सेपरेट रूम प्रोवाइड किया गया ताकि ये किसी से मिले जुले नहीं, किसी से बात ना करे, बस पड़ी और अपनी बहन सबको अपने साथ सुता रहे ताकि हमारा चुगली कर। हमारा क्या है, मैं भी यूट्यूब पर गाने सुनकर सो जाऊँ। मैं तो मेहमान बनकर आई हूँ और मेहमान बनकर ही चली जाऊँगी। शगुन मिला है वही 250 की साड़ी होगी और बहुत ज्यादा खुश हो गई होंगी तो 500 की। मैं तो अभी गूगल से चेक कर लेती हूँ। गूगल पैसा दिया है क्या? तब से गूगल बिल्कुल स्पॉन्सर किया है। भाई भाभी नहीं देंगे तो कहीं से तो घर चलाऊंगी ना। रेखा आपकी साड़ी कितने की है? अरे नहीं लिखा है तो मैं बता दूंगी। गूगल से गूगल लेंस से स्कैन करिए, शॉपिंग वाले टैब पर क्लिक कीजिए, ये देखिए लगभग 800 का है। इसी पैटर्न का है ना? मतलब ये भी उसी रेंज के आसपास का। अब भी चाची है ना, इसीलिए बहन सबको मिला होगा 5,000 का।